सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच के लिए दिल्ली से मुंबई जाएगी एनसीबी की टीम। रिया चक्रवर्ती सहित सभी आरोपियों को समन भेजने की तैयारी। ड्रग माफिया गौरव आर्या की गोवा और पुणे में तलाश। सुशांत सिंह मौत मामले में ड्रग्स से जुड़े सबूत आने के बाद नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केस दर्ज कर दिया है। ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती, शोवी चक्रवर्ती, जया शाह, श्रुति मोदी और गौरव आर्या के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सभी पर नशीली दवाओं और मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम एनडीपीएस की धाराएं लगाई गई हैं। ईडी ने सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की थी और इसी दौरान ड्रग्स से जुड़े हुए कुछ सबूत सामने आए थे। इसके बाद ईडी ने सीबीआई और एनसीबी से कुछ सबूत साझा किए। ईडी को रिया के फोन से डिलीट किए गए व्हाट्सएप मैसेज भी मिले हैं जिनसे कथित तौर पर प्रतिबंधित ड्रग्स के सौदे के संकेत मिले। रिया चक्रवर्ती के कूपर अस्पताल की मोर्चरी में जाने पर महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। कूपर अस्पताल और डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे को नोटिस दिया गया है। आयोग ने पूछा है कि किस तरह के नियम के तहत रिया को मोर्चरी के अंदर जाने की अनुमति मिली। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह इंसाफ के लिए लगातार ट्वीट कर रही हैं। आज उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए इंतजार क्यों किया जा रहा है। श्वेता ने गुनहगारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। रिया के ड्रग कनेक्शन पर अभिनेत्री कंगना रनौत सवाल खड़े कर चुकी हैं। कंगना ने ट्वीट कर कहा है कि नार्कोटिक्स ब्यूरो बॉलीवुड में आया तो कई नामी हस्तियां सलाखों के पीछे जाएंगे। इनका ब्लड टेस्ट हुआ तो लोग चौंक जाएंगे। कंगना ने सुशांत की मौत के बाद सबसे पहले नेपोटिज्म को मौत की वजह बताया था। जी मीडिया के खुलासे से घबराई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। दाऊद इब्राहिम से कहा है घर से बाहर ना निकले। आईएसआई ने कराची में दाऊद के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम अपने और महफिश हयात के रिश्तों के खुलासे से काफी परेशान है। पाकिस्तान की सभी एजेंसियों के पास अपनी सुरक्षा को लेकर के गुहार लगा चुका है वो। जी मीडिया के महवेश हयात के संबंध दाऊद से होने का खुलासा जी मीडिया ने किया था। पहली बार महवेश हयात ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और ट्वीट के जरिए पाकिस्तानी अभिनेत्री ने इस आरोपों का जवाब दिया है। महवेश ने कहा है कि मेरे खिलाफ जो गलत आरोप लगाए जा रहे हैं मैं बयान दे रही हूं, उसे महत्व नहीं देना चाहती हूं, मैं उनके एजेंडे को जानती हूं। जी मीडिया के खुलासे के बाद एक बार फिर से महवेश ने कश्मीर पर झूठ बोलना शुरू कर दिया है। महवेश ने कहा है कि कश्मीर पर जातियों और बॉलीवुड के पाखंडी रवैये को मैं उठाती रहूंगी, मुझे पता है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पुलवामा आतंकी हमले पर एनआईए चार्जशीट दाखिल होने के 24 घंटे के भीतर ही जी न्यूज ने खुलासा किया था जी मीडिया ने। और मास्टरमाइंड मसूद अजहर पाकिस्तान में ही मौजूद है और इतना ही नहीं मसूद अजहर पाकिस्तान सरकार की देखरेख में अपना आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद भी चला रहा है जिसे पाकिस्तान में कहीं भी आने जाने की मनाही नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद का समाधान सभी समझौतों और सहमतियों का सम्मान करते हुए निकाला जाना चाहिए। विदेश मंत्री ने इस मुद्दे पर भारत का रुख स्पष्ट किया है। एस जयशंकर ने लद्दाख के हालात को 1962 के संघर्ष के बाद सबसे गंभीर बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डोकलाम समेत चीन के साथ सीमा पर तनाव की घटनाओं का भी जिक्र किया और कहा है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो कुछ करना होगा वो करेगा। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत ने चीन के पक्ष को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि सीमा पर शांति हमारे संबंधों का आधार है। सीमा विवाद पर भारत के सख्त रुख के बाद चीन के सुरख बदलने लगे हैं। भारत में चीन के राजदूत ने गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राजदूत ने कहा यह इतिहास के लिहाज से एक छोटा पल था लेकिन हम हालात को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीलंका के विदेश सचिव जयनाथ कोलंबेज ने कहा है कि श्रीलंका अपनी विदेश नीति में इंडिया फर्स्ट को अपनाएगा और भारत के सभी सामरिक हितों की सुरक्षा करेगा। पिछले कुछ दिनों में हुए घटनाक्रमों के बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि श्रीलंका का झुकाव भारत के मुकाबले चीन की तरफ ज्यादा हो गया लेकिन श्रीलंका के रुख ने चीन को बड़ा झटका दिया है। भारत ने यूएनएससी की बैठक में आतंकवाद के बयान देने वाले पाकिस्तान के झूठे दावे के बारे में संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से पत्र लिखा है जिसमें भारत ने पाकिस्तान के 5 बड़े झूठ बेनकाब करते हुए करारा जवाब दिया। भगौड़े विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। विजय माल्या को कोर्ट ने अवमानना का दोषी करार दिया है जिस पर पुनर्विचार के लिए माल्या की तरफ से याचिका लगाई गई है। जेईई और नीट परीक्षा को लेकर के देश और विदेश के 150 से ज्यादा शिक्षाविदों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। शिक्षाविदों ने पत्र में कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में अगर और देरी हुई तो का भविष्य प्रभावित होगा। इतना ही नहीं इन शिक्षाविदों ने परीक्षा को लेकर के विरोध कर रहे राजनीतिक दलों को भी आड़े हाथों लिया है। कोरोना महामारी के देखते हुए हालात को देखते हुए नीट और जेईई की परीक्षाएं स्थगित करने की मांग का समर्थन करते हुए विपक्ष कांग्रेस शासित प्रदेशों के साथ ही 7 मुख्यमंत्रियों ने फैसला किया है कि इस मुद्दे पर संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। डीएमके और आम आदमी पार्टी ने भी कोरोना संकट के समय इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग का समर्थन किया है।
कांग्रेस ने नीट और जेईई की परीक्षाओं के आयोजन के फैसले को लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ शुक्रवार को देशव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान किया। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार दफ्तरों के बाहर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए धरना देंगे। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के लिए 14 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं, जिसकी परीक्षा सितंबर में होनी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। कोरोना की वजह से कुछ राजनीतिक दल नीट और जेईई मेंस परीक्षा को स्थगित करने की मांग की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि बहुत जल्द स्मॉग टावर परियोजना का काम शुरू होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी संसदीय समितियों के अध्यक्षों को कुछ चिट्ठी लिखी है। स्पीकर के निर्देश में नियम 55 का हवाला दिया गया। इसके तहत संसदीय समितियों की कार्यवाही गोपनीय रहनी चाहिए। संसद में रखे जाने से पहले सदस्यों को कार्यवाही के बारे में मीडिया को नहीं बताना चाहिए। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और प्रवेश शर्मा के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली याचिका को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया। सीपीएम नेता वृंदा करात ने शाहीनबाग में सीए के खिलाफ चल रहे विरोध के संबंध में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया था। पालघर में दो संतों की हत्या को लेकर के जल्द ही अखाड़ा परिषद का प्रतिनिधि मंडल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेगा। अखाड़ा परिषद मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करेगा और हरिद्वार में हुई अखाड़ा परिषद की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बैठक में अशोक सिंघल को भारत रत्न देने की मांग भी उठाई गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कमर्शियल और मालवाहक वाहनों को बड़ी राहत दी है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक इन वाहनों को टैक्स में छूट दी गई है। कोरोना के चलते इन्हें हुए भारी नुकसान के चलते राज्य सरकार ने यह फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश होगी। उमरिया, कटनी, जबलपुर, पन्ना, दमोह, सागर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। उत्तराखंड में देहरादून समेत 8 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में 30 अगस्त तक बारिश होने की संभावना है। इस दौरान देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर जिले में कहीं कहीं तेज बारिश की आशंका जताई गई है। 29 अगस्त को पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश की आशंका है। आज दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में रेड अलर्ट जारी किया है। झारखंड में मूसलाधार बारिश का कहर। भारी बारिश के बाद चतरा में नदी का जलस्तर बढ़ने से 8 चरवाहे और 20 से ज्यादा मवेशी फंस गए। तो वहीं पर लातेहार में नदी की तेज धार में एक गाड़ी बह गई। ओडिशा के केंदुझर में वैतरणी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और एक हफ्ते से हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भी भर गया। कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से कट गया है। ओडिशा के जाजपुर में लगातार हो रही बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। जाजपुर जिले के कलिंगानगर में भारी बारिश से जगह जगह पानी जमा हो गया। यहां लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। ओडिशा के मयूरभंज में हो रही लगातार बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी भर गया है। मयूरभंज में एक हफ्ते से बारिश हो रही है। बाढ़ की वजह से एक इमारत भी गिर गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बहने वाली दोनों ही नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है, जिसकी वजह से राजौरी जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। असम के दक्षिण खाल मारा में मिड डे मील के तहत मिले चावल को बेचने का मामला सामने आया। पकड़े गए डर से टीचर ने चावल की बोरियों को नाव समेत बाढ़ के पानी में डुबो दिया। आरोपी टीचर फरार भी है। देश में अब तक कोरोना वायरस से 32,34,474 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 24,67,758 लोगों का इलाज हो चुका है। फिलहाल ये लोग ठीक हैं। 7,07,267 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। कोरोना से अब तक 59,449 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में इलाज से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 76.29% हो गई है। 25 अगस्त तक देश में 3,76,00,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल के टेस्ट किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को जरूरी बताए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुझाव पर विचार करने की बात कही है। हालांकि सरकार की तरफ से ये दलील भी दी गई है कि यूपी में लॉकडाउन जैसे हालात नहीं है, हालात काफी बेहतर हैं। फिर भी हाईकोर्ट के सुझाव को सीधे तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही हर दिन 40,000 कोरोना सैंपल की जांच करेगी। दिल्ली में एक हफ्ते से कोरोना के नए मामले ज्यादा मिल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लोगों से ज्यादा टेस्ट कराने की अपील की। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 1,693 नए केस सामने आए। 17 लोगों की मौत हुई। 1,154 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। दिल्ली में अब तक 1,65,764 लोगों की कोरोना वायरस संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 1,48,857 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। अब तक दिल्ली में 4,347 मरीजों की कोरोना से हुई मौत।
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान 122 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित पुलिस कर्मचारियों की कुल संख्या 14,189 हो गई है। इनमें से 2,622 एक्टिव केस हैं और 11,423 इलाज के बाद स्वस्थ भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 144 पुलिस कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 14,888 नए केस सामने आए। इसी के साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 7,18,711 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 295 मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23,089 हो गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,854 नए केस आए हैं सामने। इसी के साथ मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 13,09,537 हो गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 28 मौत भी हुई और यहां कोरोना से अब तक कुल 7,505 मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,064 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना से 17 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव केसेस की तादाद 12,000 से ज्यादा है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 75,000 के करीब पहुंच गया। बुधवार को 1,345 नए मरीज आए हैं सामने। सबसे ज्यादा 295 नए केस जयपुर में आए हैं, तो वहीं बीकानेर में 147 नए मरीज मिले। राजस्थान के बाड़मेर जेल में कोरोना विस्फोट के बाद कैदियों का हंगामा। जेल को कोविड सेंटर बनाए जाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे कैदी, जेल के अंदर का वीडियो बना करके किया वायरल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोंडा का दौरा करेंगे। गोंडा में सीएम योगी कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद कोविड कंट्रोल और बाढ़ नियंत्रण पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्यसभा उपचुनाव में बीजेपी ने सैयद जफर इस्लाम को अपना उम्मीदवार बनाया है। हाल ही में अमर सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर 11 सितम्बर को चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को रिझाने में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी अब यूपी में सभी 75 जिलों में भगवान परशुराम की मूर्ति लगाएगी। इसके लिए पार्टी नेता रणनीति तैयार कर रहे हैं। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद की कई संपत्तियां प्रशासन ने कुर्क कर ली हैं। खुल्दाबाद, धूमनगंज और सिविल लाइन्स में ऑफिस और घर पर कुर्की की कार्रवाई की गई। ग्रेटर नोएडा में रिटायर्ड दारोगा ने बेटे को गोली मारने के बाद भी खुदकुशी कर ली। गंभीर रूप से घायल बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस इस घटना के पीछे के रहस्य को जानने के लिए जांच कर रही है। नोएडा के थाना सेक्टर 20 की अट्टा चौकी पर तैनात एक सब इंस्पेक्टर को दुकानदार के साथ मारपीट के आरोप में सस्पेंड किया गया है। दुकानदार से मारपीट और बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बीजेपी में वापसी होते ही उत्तराखंड से विधायक प्रणव सिंह चैंपियन अपने पुराने तेवर में देखने को मिले हैं। प्रणव सिंह ने चलती गाड़ी पर खड़े होकर के अपना वीडियो शूट कराया। वीडियो के सामने आने के बाद अब चैंपियन पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लग रहा है। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग गई। बैठक में अशोक सिंगल को भारत रत्न देने और पालघर कांड की सीबीआई जांच की मांग के प्रस्ताव पास किए गए। महिला आयोग के सामने पेश हुए हैं रेप के आरोपी उत्तराखंड के द्वारा हाट से बीजेपी के विधायक महेश नेगी। महिला आयोग के सामने पेशी हुई इनकी, नेगी पर दुष्कर्म का आरोप है। महिला आयोग के सामने नेगी ने आरोप लगाने वाली महिला का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। मध्य प्रदेश में उपचुनावों की तैयारियों में जुटी हुई कांग्रेस की आज अहम बैठक है। भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर 27 विधानसभा सीटों के प्रभारी इकट्ठा होंगे। विधानसभा क्षेत्रों के सर्वे रिपोर्ट की जाएगी साझा। इसके लिए प्रचार के लिए रणनीति बनाई जाएगी। एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल आज 3 जिलों का दौरा करेंगे। सीहोर, देवास और खंडवा में फसलों को हुए नुकसान का काम देखेंगे, किस तरीके से कमल पटेल इसका जायजा लेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आज विधानसभा में हंगामे की आशंका है। शराब बिक्री और कोरोना संक्रमण के साथ ही मजदूरों की वापसी, रोजगार से जुड़े हुए मुद्दों पर हंगामा हो सकता है। भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया है नया बोर्ड। मध्य प्रदेश मेट्रो कंपनी बोर्ड की बैठक के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि मेट्रो का काम अब तेजी गति से और बढ़ेगा। बिहार में चुनाव को लेकर के आरजेडी में उम्मीदवारों पर घमासान शुरू हो गया। इसके बाद तेजस्वी यादव ने नेताओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सभी की दावेदारी पर पार्टी विचार करेगी, लेकिन टिकट जिताने वाले उम्मीदवार को ही टिकट मिलेगा। चुनाव से पहले महागठबंधन का दायरा बढ़ाने की तैयारी। 3 लेफ्ट पार्टियों के साथ हुई है आरजेडी की बैठक। एनडीए को हराने की रणनीति पर हुई है चर्चा। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बना दी है। इस कमेटी में एआईसीसी से 3, बिहार कांग्रेस से 3 सदस्य शामिल हैं। कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे बनाए गए। चुनाव से पहले बिहार सरकार ने खोला है खजाना। कई योजनाओं के लिए 11,000 करोड़ से ज्यादा की राशि मंजूर की गई। विपक्ष का सवाल, सिर्फ 1.5 महीने में कैसे खर्च होंगी इतनी बड़ी रकम। बिहार के गोपालगंज में 8 साल के मासूम से दरिंदगी, पड़ोसी पर रेप के बाद हत्या का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। पटना सिटी में रेप के आरोपी को लोगों ने जमकर के पीटा। अस्पताल में इलाज के दौरान आरोपी की मौत हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
राजस्थान प्रभारी हटाने के बाद अविनाश पांडे को मिली बड़ी जिम्मेदारी। अब अविनाश पांडे को बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने अहम जिम्मेदारी सौंपी। अविनाश पांडे को कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कई जिलों को सौगात दी है। उदयपुर कोटा बीकानेर में सीएम गहलोत ने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का लोकार्पण किया, तो वहीं भरतपुर भिलवाड़ा में मेडिकल कॉलेज भवन का भी उद्घाटन किया। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र में पारित हुए 12 विधेयक कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में दिखी नोकझोंक, तो जेडीपी विधायक राम कुमार गौतम ने अवैध कॉलोनी के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरा। जीरो लाइन पर मिलेंगे भारत पाक इंजीनियर्स। डेरा बाबा नानक के पास पाकिस्तान की तरफ से कॉरिडोर पर पुल बनाने पर होगी चर्चा, दोनों देशों के अधिकारी रहेंगे मौजूद। पंजाब में एसवाईएल पर अकाली दल नेता बलविंदर सिंह भूंदड़ का तृप्त राजेंद्र बाजवा पर पलटवार का, जिस किताब की बात कर रहे हैं बाजवा उसमें इंदिरा गांधी और कैप्टन अमरिंदर एसवाईएल के लिए जिम्मेदार। पंजाब में तीसरे दिन भी भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन जारी है। केंद्र सरकार के कृषि से जुड़े 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र को देंगे कई सौगात। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 73 करोड़ रुपए विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। आरबीआई ने इस बार सरकार को 44% सप्लायर किया ट्रांसफर, पिछले 7 सालों में सबसे कम। केंद्र और राज्यों का कर्ज इस बार पहुंच सकता है जीडीपी के 91% के रिकॉर्ड स्तर पर, एक ब्रोकरेज कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में कही ये बात। 31 अगस्त को सामने आएगी इकोनॉमी की तस्वीर और जीडीपी के आंकड़े होंगे जारी। आज होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक, सोना बेचने पर टैक्स लगने से लेकर के 2-व्हीलर्स पर घट सकता है जीएसटी। जीएसटी भुगतान में देरी करना पड़ेगा महंगा, 1 सितंबर से शुद्ध कर देनदारी पर लगेगा ब्याज। आईपीएल 2020 मैचों के अभी तक नहीं हुई है शेड्यूल की घोषणा, फ्रेंचाइजी टीमें परेशान। विराट कोहली को खलेगी तूफानी बल्लेबाजी की कमी, कोच कैटिश बोले फिंच के आने से मिलेगी मदद। जम्मू और कश्मीर में क्रिकेट को बढ़ावा देना चाहते हैं रैना, वंचित बच्चों का क्रिकेट में फ्यूचर संवारने के लिए अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव। पाकिस्तान के मुख्य कोच मिसबाह उल हक का बयान, इंग्लैंड क्रिकेट टीम अगर पाकिस्तान का जवाबी दौरा करती है तो अच्छा होगा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान फिंच बोले इंग्लैंड में फैंस के तानों की कमी खलेगी। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले जेम्स ने तय किया है कि अगला टारगेट टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट हासिल करना होगा। अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा, अमेरिकी जासूसी विमान चीनी सीमा में घुस करके चीनी सीमा के मिलिट्री ड्रिल को रिकॉर्ड करके लौटा, बौखलाया चीन। अफगानिस्तान के परवान प्रांत में बाढ़ से भारी तबाही, तेज बहाव में 70 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों घरों को नुकसान भी पहुंचा। पाकिस्तान की कराची में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में आश्वेत नागरिकों पर पुलिस बर्बरता के विरोध में प्रदर्शन जारी है, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हुई। टीवी एक्ट्रेस तृप्ति शंकर ने पिता पर लगाया गंभीर आरोप, कहा पिता ने मुझ पर जानलेवा हमला किया। बड़ी सर्जरी के लिए अभिनेता रणदीप हुड्डा अस्पताल में भर्ती हुए, अस्पताल में भर्ती होने से पहले करवाया कोरोना टेस्ट। तैमूर अली खान पर बोले सैफ अली खान, का तैमूर को फोटोग्राफी करवाना पसंद नहीं है, यहां तक कि घर पर भी नहीं। अभिनेत्री प्रीति जिंटा के सनग्लासेस लुक से फैंस कायल हो गए हैं, तस्वीरों में आप स्माइल करते हैं प्रीति को देख सकते हैं। आ रही है रामगोपाल वर्मा की बायोपिक रामू, फर्स्ट लुक हुआ जारी। सोनू सूद ने परिवार संग किया गणपति विसर्जन, सोनू सूद अपनी पत्नी के साथ और बाकी सदस्यों के साथ आए नजर। सावधानी अटी, दुर्घटना घटी, महिला कार रिवर्स करना चाहती थी पर पैर गलती से एस्केलेटर पर पड़ा, नतीजा आपके सामने। हॉर्स राइडिंग की कोशिश, इस बच्चे को पड़ी भारी, देख सकते हैं आप। पुलिस की कार पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला बोल दिया, अंदर बैठे पुलिस वाले की हालत खराब हो गई, दूसरे पुलिसकर्मी ने स्प्रे करके मधुमक्खियों को भगाया। एक शख्स ने कार का दरवाजा खोलने के लिए कड़ी मशक्कत की है और इसी बीच एक शख्स आया और हैंडल घुमाया, फिर दरवाजा कैसे खुल जाता है। आपने कई लोगों को अटैक आने पर सीपीआर विधि से जान बचाते हुए देखा या फिर सुना होगा, लेकिन बकरी को सीपीआर विधि से मरने से बचाते हुए सिर्फ यही देखेंगे आप। स्विमिंग पूल में डॉगी कितने शांत तरीके से तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप।
खराब सड़क किस तरह से हादसे का सबब बन जाती है ये वीडियो देखिए। गड्ढे में पड़ करके एक लॉरी का पहिया ढीला हुआ और लॉरी कार से जा टकराई। कंगारू बच्चों के झूले पर बैठने की कोशिश कर रहा है और हर बार नाकाम हो रहा है।